लॉकडाउन के शुरुआत में हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने काफी ज्यादा क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया था और उनसे पूछा था कि अगर 2020 में आपको कोई भी स्मार्टफोन रीइनकार्नेट करना हो या फिर पास से वापस लाना हो तो वो कौन सा फोन होगा। और उस वीडियो में मैंने बोला था पर्सनली कि मुझे जो iPhone 5s है वो रीइनकार्नेट करना है, लेकिन एक मॉडर्न डिजाइन और मॉडर्न इंटरनल्स के साथ, जहां पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो एंड वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोसेसर्स एंड कैमरास हो। एंड गेस व्हाट, पिछले महीने एप्पल ने आईफोन 12 मिनी लॉन्च किया एंड आई वुड से टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस इज इंडीड द रीइनकार्नेशन ऑफ द iPhone 5s। सिमिलर साइज एंड टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस, ये छोटे फोन लवर्स के लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसी बात है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, छोटे फोन की कमी पड़ गई थी मार्केट में। पिक्सल 4a हालांकि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, लेकिन जो आईफोन 12 मिनी है वो रियली एक्चुअल में मिनी है, काफी छोटा है, लेकिन जो उसके अंदर है, जो उसके इंटरनल्स है, वो बिल्कुल भी मिनी नहीं है। मैं आईफोन 12 मिनी को पिछले 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ तो एक अच्छा आइडिया मुझे मिल गया है कि फोन कैसा है, तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप techpp.com का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि मेरा नाम है सुमुख, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए। जो फर्स्ट इंप्रेशंस होता है कोई भी फोन का, हम फोन को अनबॉक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए यूज करके या फिर एक दिन के लिए यूज करके, 2 दिन के लिए यूज करके फर्स्ट इंप्रेशंस का वीडियो बना देते हैं, क्योंकि उतने में यूजली आइडिया लग जाता है कि फोन के कुछ बेसिक फीचर्स या फंक्शनैलिटीज कैसे हैं एंड मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट जो है फोन के वो कैसे हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आईफोन 12 मिनी को मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए यूज किया क्योंकि इस फोन के बारे में 2 मेजर क्वेश्चंस है। एक है साइज के बारे में और दूसरा है बैटरी लाइफ। पहले साइज के साथ शुरू करते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू बैटरी लाइफ एंड बाकी के जो भी पैरामीटर्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, साइज के मामले में इक्वेशन काफी सिंपल है। अगर आपको एक छोटा फोन ही चाहिए, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन ही चाहिए, ऐसा फोन चाहिए जो आप एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू लॉन्च अ स्मॉल फोन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम, कुछ महीने या सालों पहले से, तो ही आप आईफोन 12 लीजिए। अगर आपको एक आईफोन ही लेना है जो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, अच्छे कैमरास के साथ आएगा और अच्छी बैटरी लाइफ भी देगा, तो आप 2020 में भी बेझिझक आईफोन 11 ले सकते हैं। अगर साइज एक कंस्ट्रेंट नहीं है आपके लिए, अगर आपको स्पेसिफिकली एक छोटा फोन नहीं चाहिए, बड़े फोन आपको पसंद है, तो आप iPhone 11 भी कंसिडर कर सकते हैं 2020 में। सिर्फ प्राइस को देखते हुए आप iPhone 12 मिनी मत लीजिए। आई नो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल iPhone 12, हालांकि ये भी उतना सस्ता नहीं है, काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको 80,000 खर्च नहीं करने हैं iPhone 12 के लिए, तो इसीलिए आप 12 मिनी को देख रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। उससे अच्छा आप iPhone 11 ले लीजिए, पैसे बचा लीजिए, या फिर आपको एक छोटा फोन ही चाहिए, देन द iPhone 12 मिनी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, कैजुअल गेमिंग करते हैं तो ठीक है, अगर आप ज्यादा हेवी गेमिंग भी करते हैं, पबजी खेलते हैं, COD मोबाइल खेलते हैं, तो देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द 12 मिनी, आपको वो तो बेस्ट इन क्लास मिलेगा। लेकिन साइज जो है, अगर आप क्लॉक खेलते हैं तो थोड़ा आपको छोटा पड़ सकता है, यू विल नीड सम टाइम टू गेट यूज टू द साइज। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आप ज्यादा सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, आप मैसेजिंग करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ऐसा अगर है आपका यूसेज, फोटोज लेते हैं, एडिटिंग करते हैं फोटोज का, तो इन सब के लिए बहुत ही अच्छा फील होता है हाथों में आईफोन 12 मिनी। वैसे अगर आप केस के बिना इस्तेमाल करोगे ना, ये एकदम एक बिस्किट जैसा फील होता है, बहुत ही प्यारा फील होता है हाथों में। एंड इफ यू रियली लाइक स्मॉल फोन्स, यू गोइंग टू लव द आईफोन 12 मिनी फॉर्म फैक्टर। टाइपिंग भी बहुत ही आसानी से आप इसके डिस्प्ले पे कर सकते हैं एक हाथ से ही, अगर आप स्वाइपिंग जेस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो, एंड दैट इज इंडीड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अगर आप खाना खा रहे हैं या फिर आपका दूसरा हाथ बिजी है कुछ और करने में, तब आप एक हाथ से ही मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हैंडी। अगर आपको ये लगता है कि डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ऐसी बात नहीं है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 5.5 इंच डिस्प्लेज वर कंसिडर्ड टू बी ह्यूज। आई मीन 5.5 इंच डिस्प्ले में फ्लैगशिप्स पे ही मिलते थे और उसपे कॉन्टेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता था, एंड आईफोन 12 मिनी में भी कॉन्टेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। 5.4 इंच का डिस्प्ले आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
एडिक्वेट है हम कहेंगे। अगर आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, Netflix या Prime Video पे शोज देखते हैं, तब भी आपको काफी अच्छा लगने वाला है ये डिस्प्ले। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द साइज, जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। OLED पैनल हमें मिल जाता है, आउटडोर ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट डिपार्टमेंट। साइज के बारे में तो हमने बात कर लिया है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बैटरी लाइफ। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यूजुअली हम एक दो दिन यूज करके फोन को फर्स्ट इंप्रेशंस का वीडियो बना देते हैं, उसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा यूज करके उसका फुल रिव्यू बनाते हैं। लेकिन iPhone 12 mini को मैंने एक दो दिन एक्स्ट्रा यूज किया, क्योंकि बहुत लोग जो है वो बैटरी लाइफ के बारे में कंसर्न थे, ये जानना चाहते थे कि क्या एक पूरा दिन भी लास्ट करेगा कि नहीं iPhone 12 mini, एंड दैट इज व्हाट आई रियली वांटेड टू फाइंड आउट। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 दिनों से, इट इज एक्चुअली सरप्राइजिंगली गुड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे कॉन्स्टेंटली ऑन एन एवरेज 5.5 to 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है iPhone 12 mini पे। नाउ कीप इन माइंड कि मैं एक मॉडरेट यूजर हूँ, बहुत ही ज्यादा यूज नहीं करता अपने फोन को, मैं गेमिंग नहीं करता हूँ ज्यादा, मैं ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, व्हाट्सएप यूज करता हूँ, ट्विटर इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, ब्राउजर यूज करता हूँ, एंड ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा मैसेजिंग करता हूँ, गाने सुनता हूँ जब मैं नीचे वॉक के लिए जाता हूँ, तो कॉल्स करता हूँ, कुछ वीडियो कॉल्स भी करता हूँ। ये है मेरा जेनेरिक यूजेज। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर आपका भी यूजेज इससे मिलता जुलता है तो आपको तकरीबन 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा iPhone 12 mini पे। नाउ अगर आप गेमिंग करेंगे या फिर हेवीली यूज करेंगे, कंटिन्यूसली यूज करेंगे फोन को, तो ऑफकोर्स बैटरी ड्रेन होगा। अगर आप LTE ज्यादा यूज करेंगे, वाईफाई से अगर आप बाहर है, तब भी ज्यादा फास्ट बैटरी ड्रेन होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर मैं सुबह 8 बजे फोन को डिस्कनेक्ट करता था चार्जर से, तो तकरीबन रात के 12 बजे या फिर 12:30 बजे तक भी मुझे ये लास्ट कर जाता था। जब मैं सोने जाता हूँ तब मैं चार्ज करता हूँ अपने फोन को, एंड आउट ऑफ दीज 2-3 डेज जो मैंने यूज किया है फोन को, अराउंड 12 midnight तक मुझे लास्ट कर गया फोन। तब तकरीबन 5% पे आ गया था, तो तब मैंने चार्जर कनेक्ट कर लिया था, एंड व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट अबाउट 8 आई वेक अप विद अ फुल चार्ज, एंड अगेन द साइकिल रिपीट्स। तो एक पूरा दिन मेरे यूजेज के लिए ये फोन लास्ट कर जाता है, बट आपके यूजेज पे डिपेंड करता है कि आपको ये फोन पूरा दिन लास्ट करेगा या नहीं। अब बाकी कुछ चीजें हैं जो आपने बहुत सारे वीडियोस में देख लिए होंगे, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max का जो भी परफॉर्मेंस है, वही सेम परफॉर्मेंस हमें iPhone 12 mini में भी मिलता है। A14 बायोनिक चिपसेट है, ऑफ कोर्स इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट फॉर गेमिंग, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई भी इंटेंसिव टास्क करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पे, अपने iPhone 12 mini पे, तो वो आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। स्पीकर्स हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं इस फोन में, और जो माइक्रोफोन है वो भी बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं, प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल की ये दोनों सेंसर्स है। सामने की तरफ भी 12 मेगापिक्सल सेंसर मिल जाता है, एंड ऑल ऑफ दीज 3 कैमराज कैन शूट इन 4K 60fps। इनफैक्ट जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, जो मेरे फेस का शॉट है, ये कैप्चर हो रहा है iPhone 12 mini के रियर कैमरा से, जो मेन कैमरा है 1080p 30fps में, और जो ऑडियो है वो भी फोन के थ्रू ही कैप्चर हो रहा है। सो यू वुड गेट एन आइडिया ऑफ हाउ गुड दी वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी इज ऑफ दीज कैमराज। आप इसे प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको एक YouTube चैनल स्टार्ट करना है तब भी आप ये फोन ले सकते हैं YouTube वीडियो शूट करने के लिए। सो द कैमराज ऑन द iPhone 12 mini आर राइट अप देयर विद वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, या फिर आप कोई भी फोन ले लीजिए, द iPhone 12 कैमराज आर गोइंग टू बी रियली रियली गुड। नाइट मोड हमें इस साल अल्ट्रा वाइड कैमरा और फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी मिल जाता है, विच मेक्स द डील ऑल द मोर बेटर। डॉल्बी विजन में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसे आपको एडिट करने में दिक्कत हो सकती है, सो आई एम शूटिंग दिस पर्टिकुलर क्लिप इन SDR। फाइनल थॉट्स मेरा सिर्फ ये है कि दिस इज अ फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो, ट्रीटेड लाइक अ फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो। फुल रिव्यू जो है वो थोड़ी दिनों में आने वाला है, बहुत सारे कंपैरिजंस आपको देखने मिलने वाले हैं iPhone 12 mini का दूसरे फोन्स के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में हम कंपेयर करेंगे। आई वाज कंसीडरिंग फिटिंग दी 12 mini अगेंस्ट द पोको X3, कैमराज जो है वो दोनों फोन्स में हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो देखते हैं प्राइस पॉइंट में। आई थिंक द पोको X3 इज 3-4 times चीपर देन दी iPhone 12 mini, तो देखते हैं उतना डिफरेंस एक्चुअली कैमराज में हमें देखने को मिलता है कि नहीं। एंड जाते हुए मैं बस ये कहूंगा, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बाय दी iPhone 12 mini फॉर इट्स साइज एंड नॉट इट्स प्राइस। अगर आपको छोटा फोन ही चाहिए तभी आप iPhone 12 mini लीजिए, वरना आपको बहुत सारे और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं मार्केट में।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।